जगदलपुर विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात सभा और जुलूसों की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। उक्त जानकारी कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। सोमवार को जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में पत्रकारों से चर्चा में बताया कि विभिन्न जातियों, धर्म या भाषाई समुदाय के बीच मतभेद बढ़ाने या घृणा की भावना पैदा करने या किसी प्रकार की तनाव पैदा करने वाला कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एवं शासकीय संस्थानों का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नई तकनीकों का उपयोग भी किया जा रहा है और इस कार्य के लिए सीधे लोगों को जोड़ा जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए सी विजिल ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत फोटो या वीडियो डालकर कर सकता है। इसमें शिकायतकर्ता की इच्छा पर उसका नाम गुप्त रखने का प्रावधान भी है। निर्वाचन संबंधी अनियमितता को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड सहित विभिन्न दलों को प्रशिक्षित कर तैनात किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सभी राजनीतिक दलों को प्रचार प्रसार के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए कदमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान है, स्वीप का कैंपेन भी काफ़ी बड़े पैमाने पर चलेगा और कुल 37 दिनों में ये प्रक्रिया फर्स्ट फेज कंप्लीट होगी, वोटिंग कंप्लीट होगा और काउंटिंग की तिथि जो निर्धारित है उसके अनुसार प्रशासन ने अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर लिया है और कुल 721 मतदान केंद्रों में 3 पूर्ण और 1 आंशिक विधानसभाओं में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। फ्लाइंग स्क्वाड 12 फ्लाइंग स्क्वाड हैं, 32 स्टैटिक सर्विलेंस टीम है, 12 वीडियो व्यूइंग टीम है, 4 व्यय सहायक व्यय प्रेक्षक है। तो आवश्यक सभी टीमों का गठन किया गया है और उनके प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा रही है और स्टैटिक दलों को ग्राउंड पे डिप्लॉय किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित बूथ जो हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं, 12 बूथ को हाइपर सेंसिटिव की कैटेगरी में रखा है। कुल वैसे तो 96 हाइपर सेंसिटिव बूथ है, पर 12 बूथ जो होंगे उसमें विशेष तौर पे सतर्कता रहेगी। वो रिलैक्सेशन पिछली बार स्थल परिवर्तन मांगा गया था, इस बार हम लोगों ने स्थल परिवर्तन नहीं चाहा। सर, दशहरा की शुरुआत है, इस दौरान कोई जनपद की चुनावी स्टंट नहीं करे आदिवासी, इसके लिए भी क्या नजर रखी जाएगी? सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों पे नजर रखी जाएगी और जहाँ जहाँ पे आचार संहिता के उल्लंघन के मामले सामने आएंगे उस पे प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई। सर, कल भी ऐसी जानकारी आई थी कि कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कुछ चीजें बांटी जा रही हैं, तो क्या उसपे कुछ आप आया सामने? आप स्पेसिफिकली पूछिए, महिला सम्मेलन कहीं पर हो रहा था ऐसी जानकारी आई थी? उस संदर्भ में शिकायत कल सुबह प्राप्त हुई थी, तत्काल टीम को मोबिलाइज किया गया था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित समिति ने वहां पे जाके कार्रवाई की है, उसकी FIR पुलिस में दर्ज हो चुकी है और जो सामग्री थी उसका जब्तीनामा भी किया गया था।